हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं गौरव शर्मा विद सेपर्स एजुकेशन आज अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 जो डिमांड एनालाइज है वो अपने पढ़ने वाले हैं। सर, हालांकि अपन ने डिमांड चैप्टर बहुत बार पढ़ा होगा, 11th 12th में भी पढ़ा है और कई कोर्सेज के अंदर डिमांड चैप्टर बहुत बार आता है। हालांकि अपने इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छा कुछ जानते हैं, पर आज अपने पढ़ेंगे इस चैप्टर को फिर से एक बार और बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसमें रेलेवेंसी है, कौन से सब्जेक्ट मैटर मेरे को यहाँ पे पढ़ने हैं, डिमांड में कौन से फैक्टर्स पढ़ने हैं, वो सारी चीजें आज अपने खाली बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो चालू करते हैं इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सर डेफिनेशन ऑफ द डिमांड। सर, डिमांड मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं डिमांड? डिमांड सम अप एज द एबिलिटी। सर, एबिलिटी किसकी? कंज्यूमर की एबिलिटी, डिजायर टू परचेज द गुड्स और सर्विस फॉर जनरल पब्लिक। सर, सबसे पहले दो एलिमेंट मेरे को यहाँ पे पता चले है, सबसे पहला तो एबिलिटी और दूसरा डिजायर। सर, मार्केट के अंदर अगर मेरे को डिमांड क्रिएट करनी है, मार्केट के अंदर अगर मेरे को डिमांड क्रिएट करनी है तो दो रेलेवेंसी फैक्टर मेरे पास होने चाहिए। मैं कब कहता हूं कि मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई है? सबसे पहला तो अगर मार्केट में आपके कंज्यूमर के पास उस चीज को खरीदने के लिए एबिलिटी मतलब परचेसिंग पावर मतलब सर पैसा है, तो वो क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। प्लस सर, खाली पैसा होने से नहीं चलेगा, उसको खरीदने की उसकी क्या है सर? डिजायर है। डिजायर टू परचेज अ गुड्स और सर्विस फॉर द जनरल पब्लिक, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको डिमांड बोलता हूँ। मतलब सर, दो चीजें होनी चाहिए, सबसे पहला तो परचेजिंग पावर होनी चाहिए, दूसरी चीज सर डिजायर होनी चाहिए। इन दोनों के ये दोनों एलिमेंट अगर प्रेजेंट होंगे तो मार्केट में क्या क्रिएट हो रही है? सर, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है। ये होती है सर एक्चुअल डेफिनेशन डिमांड की। डिमांड इज अ सम ऑफ एज द एबिलिटी एंड डिजायर टू परचेज अ गुड्स और सर्विस ऑफ द जनरल पब्लिक, इसको मैं क्या बोलता हूँ सर? इसको मैं डिमांड बोलता हूँ। ये मेरी डिमांड की डेफिनेशन थी। हालांकि आगे बहुत सारे डेफिनेशंस आने वाली है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशंस अपने को समझा रखी है। आगे आते हैं सर, व्हाट इज डिमांड? डिमांड कहते हैं किसको है? हालांकि डेफिनेशन में अपन ने ये समझ लिया कि डिमांड किसको कहते हैं सर, जहाँ पे कंज्यूमर की डिजायर है प्लस उसके पास उसको खरीदने की परचेसिंग पावर है। सर, मेरे को BMW खरीदनी है पर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या ये डिमांड क्रिएट कर रही है क्या मार्केट में? नहीं सर, ये डिमांड नहीं होगी, ये आपकी इच्छा है, आपको खरीदने के लिए उतना पैसा चाहिए। अगर मार्केट में क्या क्रिएट करनी है? डिमांड क्रिएट करनी है। तो आई मेरी बात समझ में? क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक्स डिमांड स्टैंड फॉर द कंज्यूमर एबिलिटी, कंज्यूमर की परचेसिंग पावर की बात कर रहा है, पैसों की बात कर रहा है, प्लस डिजायर की बात कर रहा है, डिजायर टू परचेज अ गुड्स और सर्विसेज, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट। सर, अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं अपने आगे पढ़ेंगे। उन सारे फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे क्या रखा है? उन सारे फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे सेम रखा है। एन इंक्रीज इन प्राइस, जब भी किसी गुड्स की प्राइस क्या होती है सर? जब भी किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है या फिर किसी सर्विस की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर? उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब किसी की गुड्स की प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये चीज अपने अच्छे से जानते हैं। डे टू डे लाइफ में अपने काफी बार देखते हैं कि डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट होती है हर बार विद द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। मतलब कॉमोडिटी की प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन है किसका सर? डिमांड का। तो कीपिंग द अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिड्यूस द कंज्यूमर्स डिमांड, क्या हो जाएगा सर? कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दोगे तो कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब कैसा रिलेशन है सर? उल्टा रिलेशन है। मतलब इसको मैं क्या बोलता हूँ सर? इनवर्स रिलेशन है। किसके बीच में? डिमांड एंड प्राइस के बीच में। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम और वाइसा वर्सा। सर, मतलब क्या होता है वाइसा वर्सा का? मतलब उल्टा रिलेशन उल्टा हो जाएगा। मतलब प्राइस अगर कम हो गई डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो गई, उल्टा रिलेशन है सर। नेक्स्ट आते हैं, डिमांड इज व्हाट अ फ्यूल एंड इकोनॉमी। अच्छा, डिमांड के वजह से मैं बोलता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। क्यों सर ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं तो बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करेंगे। अच्छा, जब बिजनेस ही नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं जाएगा, पॉकेट में पैसा नहीं जाएगा तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड नहीं जी सकते। मतलब कहने का मतलब, मैं अगर मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरी वजह से पूरा मार्केट कमा के खा रहा है। अगर कंज्यूमर डिमांड क्रिएट कर रहा है, वो डिमांड ही है जो इकोनॉमी का एक फ्यूल है, इकोनॉमी को क्या करती है सर? पुशअप करती है, इंडिया की इकोनॉमी के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। क्या सर? डिमांड। अगर डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी।
या फिर किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड। तो डिमांड इकोनॉमी का क्या है सर? डिमांड इकोनॉमी का फ्यूल है। एंड इन 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 इट्स एब्सेंस बिजनेसेस विल स्टॉप, क्या हो जाएंगे सर? बिजनेस प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे और सारे के सारे अदर व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी विल स्टॉप रोलिंग, बाकी सारे पहिए भी गाड़ी के घूमना बंद कर देंगे, मतलब इकोनॉमी रुक जाएगी। लॉकडाउन में अपन ने देखा था सर, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो सर खर्चा कहाँ करेंगे, मतलब डिमांड कहाँ करेंगे? तो डिमांड क्या हो गई सर? बंद हो गई, एकदम स्टॉप हो गई। डिमांड के स्टॉप होने की वजह से सर प्रोडक्शन भी क्या हो गया सर? प्रोडक्शन भी बंद हो गया मेरा। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इंडिया की जीडीपी कम हो गई थी ना लॉकडाउन के अंदर। तो यही मेरा डायरेक्ट रिलेट करता है, डिमांड हमेशा किसको अफेक्ट करेगा? जीडीपी को अफेक्ट करेगा सर, प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा, कंट्री के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। डिमांड मीनिंग इज क्लोजली रिलेटेड विद द सप्लाई। डिमांड को कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता हूँ किससे सर? डायरेक्टली किससे? सप्लाई से रिलेट करता हूँ। व्हाइल कंज्यूमर वांट टू पे द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, हमेशा इंडिया का कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है? जहां पे प्राइस हमेशा क्या होगी? कम होगी, वही प्रोडक्ट खरीदेगा जहां पे प्राइस कम होगी। आज अगर मैं 1000 रुपए की टी शर्ट बेचने निकलूं तो हो सकता है कि मैं दिन की एक टी शर्ट, दो टी शर्ट, तीन टी शर्ट बेच दूं। वही अगर मैं 200 रुपए की टी शर्ट बेचूं तो हो सकता है कि मैं मोर देन 50 to 60 टी शर्ट एक दिन की बेच दूं। मतलब सर क्वांटिटी में खेलना है, डिमांड अगर क्रिएट करनी है मार्केट में तो क्वालिटी पे कम क्वांटिटी में खेलना है, क्योंकि कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर हमेशा वही गुड्स प्रीफर करता है जिनकी प्राइस क्या होती है? लोएस्ट पॉसिबल प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विस। सप्लायर ट्राई टू मेक सच प्रॉफिट एज दे कैन। इन केस अ कंपनी आस्क फॉर द हायर प्रॉफिट, हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, देन द डिमांड क्या हो जाएगी सर? अगर कंपनी बोलती है प्राइस बढ़ाऊंगी तो कंज्यूमर बोलता है डिमांड कम करूंगा, क्योंकि मैं कहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा? बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो हमेशा डिमांड किससे रिलेट करती है सर आपकी? हमेशा डिमांड आपकी रिलेट करती है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है प्राइस के साथ। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। अब आते हैं सर डिमांड के बारे में, इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब टाइप्स ऑफ डिमांड के ऊपर आते हैं कि कौन कौन से टाइप की डिमांड होती है। तो सबसे पहले डिमांड इज प्राइमरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेवरल फैक्टर्स, दिस आर, सबसे पहले आती है इंडिविजुअल डिमांड। सबसे पहले कौन सी आती है? इंडिविजुअल डिमांड। दूसरा मेरे पास आता है मार्केट डिमांड। सर क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में? इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या? सपोज करना कि अभी मैं मार्केट के अंदर स्टेशनरी के अंदर मैं पेन बेचता हूं, मेरा किसका काम है? पेन का काम है। किसका काम है? पेन बेच रहा हूं मैं, पेन की प्राइस है 10 रुपए। सर कोई बात नहीं, कंज्यूमर आपके पास आएगा और रोज कितना खरीदेगा? कम से कम आपका 100 क्वांटिटी बिक जाएगा। मतलब कौन आ रहा है? लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ पे राम एक कंज्यूमर है, वो रोज मेरे से क्या करता है? 100 पेन खरीद के जाता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये किसकी डिमांड है सर? ये पर्टिकुलर राम की डिमांड है। जो पर्टिकुलर किसी आदमी की डिमांड है उसको मैं क्या बोलता हूँ सर? इंडिविजुअल डिमांड। एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू नीड फॉर द प्रोडक्ट बाय अ सिंगल कंज्यूमर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? डिमांड किसकी है? किसी एक कंज्यूमर की है। इट कैन बी रिगार्डेड एज एन क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं हमेशा डिमांड को किससे रिलेट करता हूँ सर? टाइम से भी, क्योंकि डिमांड चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम सर। कैसे? एग्जाम्पल सर, अभी मानसून सीजन आने वाला है, मतलब कौन सा सीजन आने वाला है? रेनी सीजन आने वाला है। यहाँ पे जो डिमांड होगी ना सर, किसकी? रेनकोट की। यहाँ पे डिमांड होगी अम्ब्रेला की, वो इंक्रीज हो जाएगी। वही अगर मैं बात करूँ समर वेकेशन, समर सीजन में या फिर विंटर विंटर सीजन के अंदर, तो यहाँ पे रेनकोट की डिमांड होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि सर डिमांड आपकी वेरी करती है हमेशा किसके बेसिस पे? टाइम के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ गुजरात के अंदर, स्वेटर खरीदने के कोई बहुत कम खरीदेंगे। वही अगर मैं लद्दाख चला जाऊँ, वहां पे स्वेटर बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि प्लेस से भी डिमांड वेरी होती है। आज यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, हो सकता है किसी और जगह पे वो प्रोडक्ट की डिमांड हो। तो डिमांड आपकी रिलेट करती है दो जगह से सर, एक तो प्लेसेस हो गया मेरा और दूसरा मेरा हो गया सर टाइम। मतलब डिमांड चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। हाँ, अपने पढ़ रहे थे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी एक पर्सन की डिमांड, और दूसरा आता है मेरा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब द क्यूमुलेटिव, मतलब सम ऑफ ऑल द डिमांड, सम ऑफ ऑल द डिमांड, उसको मैं क्या बोलता हूँ? मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय एवरी इंडिविजुअल एट अ फिक्स प्राइस एंड द टाइम इज कंसिडर्ड एज अ
मार्केट डिमांड, उसको मैं क्या बोलूंगा सर, उसको मैं बोलूंगा मार्केट डिमांड। आई मेरी बात समझ में? अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो अपन ने ये पढ़ा डिमांड क्या होती है। डिमांड के अंदर दो दो चीजें आती है सर। डिमांड मतलब क्या, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। कंज्यूमर की डिजायर भी है खरीदने की, प्लस उसका उतना पैसा भी उसके पास पड़ा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि डिमांड क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा, डिजायर है खरीदने की, इच्छा तो बहुत कुछ है परचेज करने की, पर सर डिमांड के लिए पैसा नहीं है तो वो डिमांड कहलाएगी नहीं, वो परचेजिंग पावर नहीं है आपके पास तो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी, क्योंकि दोनों चीजें एसेंशियल होती है, एलिमेंट होता है डिमांड का, तो ये होनी चाहिए। आई मेरी बात समझ में? इसके बाद में अपन ने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा, मार्केट डिमांड पढ़ा, अपन ने ये देखा कि टाइम के हिसाब से डिमांड क्या होती है, वेरी होती है, चेंज होती है, प्लेस के हिसाब से डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, वेरी होती है। नेक्स्ट मेरा आता है ऑर्गेनाइजेशन डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी की कितनी डिमांड है, और उसी सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटर होंगे तो उस पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर उस कॉमोडिटी की कितनी डिमांड है। तो ये दोनों में फर्क, यहाँ पे मैं किसी सिंगल कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एज अ होल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि उस प्रोडक्ट की एक कंपनी कितनी डिमांड सप्लाई कर रहा है और पूरा इंडस्ट्री कितनी डिमांड सप्लाई कर रहा है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट डिमांड, या फिर ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, कंपनी डिमांड, या फिर इंडस्ट्रीज डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड मतलब पूरे इंडस्ट्री की। पढ़ते हैं एक बार क्या बोल रहा है, द नीड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, एट अ सेट प्राइस विद इन अ पीरियड इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द वॉन्ट फॉर द मारुति सुजुकी कार कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी एक कंपनी की बात कर रहा है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ, आज जियो जितनी डेटा सर्विस दे रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की, जियो की बात कर रहा हूँ। वही अगर मैं सबकी बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज के अंदर कोको कोला, कोको कोला कितनी सप्लाई दे रहा है, कितनी डिमांड दे रहा है, कितनी मार्केट में कोको कोला की डिमांड है, वो मेरी क्या हो गई, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। वहीं अगर मैं बात करूं कि सारी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री जिसमें आ जाती है, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, माउंटेन ड्यू, फेंटा, स्प्राइट, ये सबकी कितनी डिमांड है, वो आ गई मेरी इंडस्ट्रियल डिमांड। आई मेरी बात समझ में? आगे पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड किसको कहते हैं। ऑन द अनदर हैंड, द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर फ्रॉम एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज रिगार्ड एज इंडस्ट्रियल डिमांड। उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंडस्ट्रियल डिमांड बोलता हूँ। फॉर इंस्टेंस, द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द पैसेंजर कार फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स लाइक मारुति, टोयोटा, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज, इन सारे कार्स की जो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उन सब में कितनी कार की डिमांड आती है, वो सारी होती है मेरी इंडस्ट्रियल डिमांड। दोनों के बीच में फर्क समझ में आ जाना चाहिए अपने को। यहाँ पे किसी एक सिंगल कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे सर पूरे के पूरे एज अ होल इंडस्ट्री की बात हो रही है, दोनों में फर्क है सर। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है इतना? अपन ने क्या क्या पढ़ लिया सर, डिमांड के बारे में पढ़ा, अपन ने टाइप्स देख लिए डिमांड के, दो टाइप्स पढ़ लिए अपन ने। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होती है, फिर अपन ने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल डिमांड क्या होती है, कंपनी डिमांड क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड क्या होती है। नेक्स्ट आता है इनकम डिमांड, मतलब सर वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसके वजह से आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड फ्लक्चुएट होगी, अप एंड डाउन होगी सर, चेंज होगी, जो है कंज्यूमर की कितनी इनकम है। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि मैं इंडिया के अंदर लग्जरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लग्जरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कंपेयर करूंगा, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट लग्जरी है तो कौन अफोर्ड कर सकते हैं, जो रिच लोग हैं मतलब जिनके पास पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड डायरेक्टली वेरी करती है किसके ऊपर सर, इनकम के ऊपर सर। अगर इनकम बढ़िया होगी लोगों की तो हो सकता है कि मेरे सारे के सारे लग्जरी गुड्स क्या हो जाए, बिक जाए, मतलब मेरे लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। वहीं अगर लोगों की इनकम नहीं है, ऐसी इंडस्ट्रीज में जाके मैं पाकिस्तान जाके मैं लग्जरी गुड्स बेचना चाहूँ तो सर नहीं बिकेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे लोगों की इतनी इनकम नहीं है कि वो लग्जरी गुड्स अफोर्ड कर पाए। आई मेरी बात समझ में? तो आते हैं इनकम डिमांड मतलब क्या, इट रेफर टू एन एंगरनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज द परचेज अ डेफिनाइट क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। आज सर मेरी इनकम है 10,000, तो मेरा कंजम्पशन है पूरे महीने का 7,000 समथिंग, मतलब मैं डिमांड कितनी क्रिएट कर रहा हूँ सब मार्केट में, 7,000 रुपए की डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ। वही अगर मैं बात करूं कि मेरी इनकम इस बार
बढ़ के हो जाती है 20,000 रुपए, मेरी इनकम, मेरे को प्रमोशन मिल गया, मेरी इनकम 10 से हो गई 20,000, तो अब क्या होगी सर, मार्केट में डिमांड बट ऑफेंसिव बात है सर, अगर मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा तो खर्चा ज्यादा करूंगा, और जब खर्चा ज्यादा कर रहा हूँ इसका मतलब मार्केट में डिमांड भी तो ज्यादा क्लियर कर रहा हूँ ना मैं, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ कि डिमांड हमेशा वेरी होती है प्राइस के बेसिस पे भी, इनकम के बेसिस पे भी। प्राइस की वजह से भी क्या होती है, डिमांड फ्लक्चुएट होती है, इनकम की वजह से भी डिमांड फ्लक्चुएट होती है। जो इनकम की वजह से डिमांड फ्लक्चुएट होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनकम डिमांड बोलता हूँ। यहां तक अपन ने पढ़ लिया, तीन टाइप अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहला मैंने पढ़ा कौन सा, सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा मैंने पढ़ा मार्केट डिमांड, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड, फिर अपन ने पढ़ा इनकम डिमांड। नेक्स्ट आता है मेरा ऑटोनोमस डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड? ऑटोनोमस डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जिसके लिए किसी दूसरे गुड्स की डिमांड नहीं करनी पड़े, ऐसा कोई गुड्स जिसको मैं क्या कर सकता हूं, जो जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी दूसरे गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो अकेला ही कंज्यूम किया जा सकता है। सर मैं शॉप पे गया, बिस्किट लिया, मैंने हाइडेन से खाया, पेट भर लिया, क्या हो गया सर, ये है मेरी ऑटोनोमस डिमांड। मतलब ऐसी डिमांड जहां पे किसी और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, वो अकेला प्रोडक्ट ही आपको सेटिस्फाइड कर सकता है। सर मैं दुकान पे गया, चिप्स का पैकेट, लेयर्स बालाजी चिप्स खा ली, मैंने मेरा पेट भर गया, डायरेक्टली कंज्यूम कर दिया, वो डिमांड होती है मेरी ऑटोनोमस डिमांड। वही अगर मैं बात करूं सर, मैंने क्या करा, कार लिए, तो मैं बिना पेट्रोल के कार चला लूंगा क्या? नहीं चला पाऊंगा। मतलब वो होती है डिराइव्ड डिमांड, के कार की वजह से किसकी डिमांड बढ़ रही है सर, कार की वजह से पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है ना, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिराइव्ड डिमांड बोलता हूं। मतलब एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिराइव्ड डिमांड। जैसे सर हमेशा मेरे को चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर के तो चाय पीऊंगा नहीं, तो शक्कर की डिमांड क्या हो गई, डिराइव्ड डिमांड। मतलब जितना लोग चाय का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो उनको शक्कर का कंजम्पशन भी करना पड़ेगा, तो शक्कर की डिमांड है, शुगर की डिमांड है, वो भी क्या होगी, वो उस डिमांड को मैं बोलता हूँ डिराइव्ड डिमांड। अच्छा, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके लिए मेरे को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मतलब मैं गया चिप्स खा ली मैंने, मैं गया बिस्किट खा लिए मैंने, या फिर मैंने और कोई चीज कंज्यूम कर ली, तो फिर वहां पे मेरे को किसी और गुड्स की जरूरत नहीं है, उसको मैं बोलता हूँ ऑटोनोमस डिमांड। अच्छा, अब अपनी बुक क्या बोलती है एक बार वो पढ़ते हैं, ऑटोनोमस डिमांड और डिराइव डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं अपने। सबसे पहला तो ऑटोनोमस डिमांड मतलब क्या, इट रेफर्स टू द कैटेगरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी ऑन द अदर गुड्स। इफ द डायरेक्ट फॉर द कॉमोडिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, देन इट इज लेबल्ड एज एन डायरेक्ट और ऑटोनोमस डिमांड। अगर मेरा प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अगर मेरी कॉमोडिटी की डिमांड किसी दूसरे कॉमोडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, देन फिर उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑटोनोमस डिमांड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, ऑटोनोमस डिमांड, या फिर जिसको मैं बोलता हूँ जहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रेज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हंगर। मतलब मेरे को भूख लग रही है सर, मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मैंने राइस बना के खा लिया, क्या हो गया सर, किसी और चीज की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। ये मेरी होती है ऑटोनोमस डिमांड, मतलब जहां पे किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पे मेरे को एक ही प्रोडक्ट से सेल्फ कंजम्पशन मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरा डिराइव डिमांड, मतलब क्या होता है, ऑन द अनदर हैंड डिराइव डिमांड रेफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इंक्रीज व्हेन द नीड फॉर द एसोसिएट प्रोडक्ट विल राइज। क्या बोल रहा है कि ये डिमांड वो होती है जहां पे मेरे को किसी दूसरे गुड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है ए, वो कब यूज होगा, जब मैं अगर मार्केट में जाके दूसरा प्रोडक्ट बी खरीदूंगा ना, तब उसको मैं क्या बोलता हूँ कि वो प्रोडक्ट मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो बी की डिमांड है ना मेरी, वो बी की डिमांड को मैं क्या बोलूंगा, उस बी की डिमांड को मैं बोलता हूँ डिराइव्ड डिमांड। क्या बोलूंगा, डिराइव्ड डिमांड। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है? जैसे पेट्रोल एंड कार का एग्जांपल अपन ने वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल लिया, पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोलता है, डिराइव्ड डिमांड रेफर्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इंक्रीजेस व्हेन द नीड फॉर द एसोसिएट प्रोडक्ट विल ऑल्सो राइज। फॉर इंस्टेंट द एग्जाम्पल दे रखा है, पेट्रोल और डीजल डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर द कार, जितनी कार बिकेगी
उतना पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ेगी। इसको मैं बोलता हूँ ऑटोनोमस एंड डिराइव्ड डिमांड। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट आती है मेरी प्राइस डिमांड। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले कौन सी डिमांड पढ़ी थी, इनकम डिमांड, बस उसी की तरह मेरा क्या है, प्राइस डिमांड है। मतलब जहां पे आपकी डिमांड वेरी होती है, चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। प्राइस कम कर दी तो उसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था टी शर्ट का, जहां पे 1,000 रुपए की टी शर्ट बेचोगे तो हो सकता है 2-3 टी शर्ट एक दिन में बेच लो, पर वहीं अगर 200 की टी शर्ट बेचोगे तो हो सकता है उससे ज्यादा कई प्रॉफिट कमा लो तुम। तो आपकी डिमांड वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस के। प्राइस क्या है आपका गुड्स का, क्लियर है? नेक्स्ट आता है मेरा डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स या फिर ड्यूरेबल गुड्स। सर क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस? पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनको मैं एक ही बार, जिनको मैं सिंगल टाइम ही क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। जैसे सर गाड़ी में पेट्रोल भराया, गाड़ी चलाई, पेट्रोल खत्म, अब दोबारा पेट्रोल को यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता सर। एक बार कोई चीज मैंने खा ली, फूड के आइटम, मैंने लेयर्स की चिप्स खा ली सर, एक बार खा ली, दूसरी बार उसको खा सकता हूँ क्या, चिप्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ क्या सेकेंड टाइम? नहीं कर सकता। मतलब सिंगल यूज गुड्स जो होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स की डिमांड क्या होती है? द पेरिशेबल गुड्स आर द वंस दैट हैज अ सिंगल यूज। लाइक एग्जांपल अपने को दे रखा है कोल, पेट्रोल, फूड प्रोडक्ट, इन सबको मैं क्या बोलूंगा, पेरिशेबल गुड्स। अच्छा, इनकी डिमांड डिपेंड करती है सर सीजन के हिसाब से, कि जिस टाइम पे सीजन आएगा उस टाइम पे इनकी डिमांड। जैसे अभी समर सीजन तो क्या हो गया, मैंगो की डिमांड बढ़ गई, पर मैंगो क्या है सर, पेरिशेबल गुड्स है, जिसको मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन स्टोर कर सकता हूँ। ऐसा गुड्स है जिसको मैं सिंगल टाइम यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनको मैं एक बार से ज्यादा टाइम क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। जैसे जैसे सर क्लोथ हो गए मेरे, जैसे क्लोथ हो गए, शूज हो गए, मशीन हो गए, जिनको मैं एक बार से ज्यादा रिपीटेडली क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्यूरेबल गुड्स कैन बी सेटिस्फाइड एनी प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड अनलाइक पेरिशेबल गुड्स। मतलब ड्यूरेबल गुड्स आपकी प्रेजेंट की डिमांड को भी सेटिस्फाइड कर लेगा और फ्यूचर की डिमांड को भी सेटिस्फाइड कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रॉस डिमांड मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस पे अफेक्ट पड़ेगा, या फिर मैं कह दूं कि एक प्रोडक्ट की प्राइस पे, या वन ऑफ द बेस्ट इसका एग्जांपल लेते हैं सर कोको कोला, और दूसरी तरफ आता है मेरा पेप्सी। अगर मैं बोलूं कि दोनों की प्राइस तुम मार्केट में कंपेयर कर लेना, दोनों कितने में बिकती है, 40 रुपए में बिकती है। अगर कोको कोला ने अपनी प्राइस को इंक्रीज कर लिया तो सारे के सारे कस्टमर, हालांकि प्राइस पेप्सी की सेम ही है, प्राइस पेप्सी की आज भी क्या है, 40 है, अगर कोको कोला ने प्राइस इंक्रीज कर दी तो सारे के सारे कस्टमर कहाँ पे चले जाएंगे, सारे के सारे कस्टमर चले जाएंगे पेप्सी के ऊपर। मतलब यहाँ पे जो डिमांड कोको कोला की है वो डिमांड क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। और पेप्सी में तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पर फिर भी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कोको कोला के सारे कंज्यूमर कहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, पेप्सी पे। तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई सर, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है इतना? इसको मैं बोलता हूँ क्रॉस डिमांड। इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस डिमांड। पढ़ लेते हैं एक बार क्रॉस डिमांड क्या होता है। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द नीड फॉर द प्रोडक्ट विच इज नॉट बेस्ड ऑन देयर प्राइस बट इंस्टेंट ऑन द प्राइस ऑफ अदर सिमिलर गुड्स। ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, अदर सिमिलर गुड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे टी और कॉफी। अगर मैं बात करूं कि प्राइस ऑफ द कॉफी अगर क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है सप्लायर ने, देन द डिमांड फॉर द टी, तो फिर डिमांड टी की क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर के पास क्या अवेलेबल है, यहाँ पे कंज्यूमर के पास ऑप्शन, अल्टरनेटिव अवेलेबल है जिसको वो कंज्यूमर यूज कर सकता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस डिमांड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट आता है मेरा सीजनल एंड लॉन्ग डिमांड। सीजन डिमांड क्या होती है, अपन ने थोड़ी देर पहले जस्ट
अपन ने एग्जाम्पल लिया ही है थोड़ी देर पहले, क्या कि रेनी सीजन के अंदर क्या होता है सर, रेनी सीजन के अंदर स्वेटर अपने रेनकोट की अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है। वही अगर समर सीजन या विंटर सीजन की बात करूं तो वहां पे उनकी डिमांड कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो सर ये क्या है, सीजन सीजनल डिमांड है। मैंगो की डिमांड अभी समर में बहुत ज्यादा है, तो क्या है सर, सीजनल डिमांड है। तो सीजनल नीड मीन्स द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट आर यूज फॉर द शॉर्ट और स्पेसिफिक टाइम लाइक अम्ब्रेला रेनकोट। ये कब यूज आते हैं सर, ये स्पेसिफिक टाइम पे ही यूज आते हैं। मतलब जब टाइम किसका रहेगा, रेनी सीजन का रहेगा, उस टाइम पे ही क्या होंगे ये सारे गुड्स यूज आएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड मतलब क्या होते हैं, ऐसे डिमांड जो आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहा है, आपके नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब सर मैंने शूज लिए, मतलब सर मैंने कोई क्लोथ लिए, तो क्या है सर वो ड्यूरेबल गुड तो है ही, साथ में आपकी वो लॉन्ग टर्म डिमांड, अपन ने थोड़ी देर ऊपर पहले पढ़ा था कि जो आपकी प्रेजेंट नीड को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर नीड को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म डिमांड। एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म डिमांड क्लासिफाइड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ओवर अ मोर एक्सटेंडेड पीरियड, टिपिकली ड्यूरेबल गुड्स, इनको मैं क्या बोलता हूँ, ड्यूरेबल गुड्स आर रिगार्ड हियर बट इट डिपेंड ऑन सम अदर फैक्टर सच एज चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्सेट्रा। यहां तक मैंने क्या पढ़ लिया सर, अभी तक जो भी मैंने चीजें पढ़ी है वो सारी क्या है मेरी, वो सारी डिमांड के अलग अलग क्या है सर, टाइप्स है। अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया सर, टाइप्स पढ़ लिया किसके, ऑफ डिमांड। अब मैं पढ़ने वाला हूं, इससे पहले अपन ने ऊपर मीनिंग पढ़ लिया था, क्या होता है डेफिनेशन, क्या होता है मीनिंग ऑफ डिमांड। जहां पे मेरे को दो चीज चाहिए सर, एक तो एबिलिटी मतलब सर परचेजिंग पावर, और दूसरा मेरे को क्या चाहिए सर, दूसरा मेरे को चाहिए डिजायर मतलब उस चीज को खरीदने की इच्छा। ये दोनों चीज मेरे पास होगी तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने क्या क्रिएट की है मार्केट में, डिमांड क्रिएट की है। आई मेरी बात समझ में। अब नेक्स्ट अपने पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड आपकी क्या होती है, चेंज होती है, जिनकी वजह से डिमांड आपकी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि प्राइस एक खुद ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड मेरी क्या होगी, या इधर डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। या फिर मैंने पढ़ा था कि सर इनकम की वजह से भी मेरी डिमांड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड भी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। पर ये हर बार नहीं होता, अपने इनको इसको भी अच्छे से समझेंगे कि नॉर्मल गुड्स के केस में अलग होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में अलग होता है, वो अपना आगे टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल अपने पढ़ते हैं कि सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर फैक्टर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर जो चीज की डिमांड करेगा, अगर उसका क्या है सर, अगर उसका फेवरेबल टेस्ट है, मतलब अगर उसको वो चीज पसंद आई है सर। अभी कंज्यूमर के मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अभी कंज्यूमर का आईफोन का टेस्ट है, मतलब आईफोन की डिमांड क्या हो रही है सर, दिन ब दिन आईफोन की डिमांड बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो फोन के मामले में। गाड़ियों के मामले में भी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी डिमांड क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी। तो क्या हो रहा है, मारुति सुजुकी की डिमांड क्यों बढ़ती है इतनी, क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस वही है। लोग पहले सोचते हैं कि सबसे पहले तो मैं मारुति ही लूंगा, या फिर हर आदमी ने अपनी लाइफ में सबसे पहली गाड़ी मारुति ही ली होगी। तो यहाँ पे क्या है सर, कौन सा फैक्टर आपको आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, वो सबसे पहला फैक्टर है मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, के कंज्यूमर का क्या टेस्ट है। विद द टाइम, टाइम के साथ टेस्ट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। पहले के टाइम पे लोग अलग टाइप के कपड़े पहनते थे, धीरे 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 क्या हो रहा है सर, वेस्टर्न ट्रेंड आ रहा है, मतलब कपड़े की डिजाइन चेंज हो रही है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है। टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस एंड दैट कैन अफेक्ट द डिमांड, तो वो क्या होगी सर, आपकी डिमांड को अफेक्ट करेगी। अच्छा आज के टाइम पे मैं कीपैड मोबाइल लूंगा क्या, नहीं लूंगा सर, क्योंकि लोगों का टेस्ट बदल गया। लोगों को कैसे फोन चाहिए सर, लोगों को स्मार्टफोन, टच वाले फोन चाहिए। आई मेरी बात समझ में। तो अब कोई भी कीपैड यूज करना पसंद नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है सर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कंज्यूमर की डिमांड चेंज होती है। नेक्स्ट फैक्टर अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इनकम फैक्टर, इनकम चेंजेस द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयरफॉर अफेक्ट द नीड। क्या बोल रहा है कि इनकम के वजह से भी, इनकम भी एक ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी डिमांड क्या होती है, वेरी होती है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड फ्लक्चुएट होती है। आई मेरी बात समझ में। ये पॉइंट अपन ने ऊपर पढ़ लिया था। हालांकि नेक्स्ट आता है चेंज इन प्राइस, ये भी अपन ने पढ़ा था कि प्राइस के वजह से भी, प्राइस सर दो टाइप की प्राइस, एक तो उसी कॉमोडिटी की प्राइस की वजह से मेरी डिमांड क्या होगी,
चेंज होगी। और दूसरा अपन ने पढ़ा था क्रॉस डिमांड, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आते हैं, उनकी भी प्राइस चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड आइदर इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, मतलब उसकी वजह से मेरी डिमांड क्या होती है सर, फ्लक्चुएट होती है। नेक्स्ट आता है एक और ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है, वो है मेरा प्रमोशनल फैक्टर सर। अभी बहुत ज्यादा आज के टाइम पे किसी को भी अपने मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है, मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी है। जैसे सर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कौन सी सर, बिस्लरी कंपनी, उसने क्या करा था सर, बिस्लरी कंपनी ने भी मार्केट में पहले कोई बोतल से पानी पीता था क्या? नहीं सर। अब क्या हो गया, लोग खरीद खरीद के बोतल से पानी पीते हैं, मतलब 20-20 रुपए में पानी की बोतल खरीद के पीते हैं। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। मतलब बिस्लरी ने क्या क्रिएट की, मार्केटिंग से अपनी डिमांड क्रिएट की, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो बिजनेसेस बनेंगे, जब डिमांड क्रिएट होगी तो प्रॉफिट होगा बिजनेसमैन को, तो फिर और वो प्रोडक्शन करेगा और सप्लाई करेगा। जैसे बिस्लरी के बाद में कोको कोला ने देखा कि बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भी अपनी ब्रांड लेके आ गई किनले के नाम से। कोको कोला और बिस्लरी मार्केट में थे तभी पेप्सी को लगा कि अपने को भी मार्केट में उतरना चाहिए, तो पेप्सी भी अपना ब्रांड लेके आ गई एक्वाफिना के नाम से। तो ये क्या हो रहा है, जहां पे डिमांड होगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जहां पे डिमांड होगी वहां पे क्या आ जाएंगे, बिजनेसेस आ जाएंगे। जहां पे डिमांड होगी वहां पे क्या दिखेगा सर, लोगों को प्रॉफिट दिखेगा, और जहां पे प्रॉफिट है वहां पे हमेशा एंटरप्रेन्योर है। आई मेरी बात समझ में? तो पढ़ते हैं सर प्रमोशनल फैक्टर कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है। मार्केटिंग एंड द प्रमोशन आर वाइटल टू द डिमांड फैक्टर, इट कैन बी चेंज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर मार्केटिंग बढ़िया की है, एडवर्टाइजमेंट बढ़िया की है सर, कैसा रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर उस केस में आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, उस केस में आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इफ द कंपनी कैन मार्केट देयर प्रोडक्ट वेल एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, लोगों को क्या करना सर, इन्फ्लुएंस करना, अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं देन उस केस में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये भी एक ऐसा फैक्टर्स है, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड चेंज हो रही है। आई मेरी बात समझ में? ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी डिमांड चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है। आई मेरी बात समझ में? क्या क्या पढ़ा सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ लिया जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है, इनकम की वजह से डिमांड चेंज होती है, इनकम में दो आती है इनकम, नॉर्मल इनकम, इंफीरियर इनकम, सॉरी नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट आता है मेरा चेंज इन द प्राइस, प्राइस की वजह से भी मेरी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, प्रमोशन की वजह से भी मेरी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। ये मेरे क्या थे, ये सारे मेरे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड थे। अब जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो पढ़ने वाला हूँ डिमांड शेड्यूल के बारे में। अब जो मैं पढ़ने वाला हूँ किसके बारे में पढ़ने वाला हूँ, डिमांड शेड्यूल। स्टार्टिंग से अपन ने मीनिंग पढ़ लिया सर, मैंने टाइप्स पढ़ लिए डिमांड के, अब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग भी पढ़ चुका हूँ, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है डिमांड शेड्यूल। सर क्या होता है बेसिकली डिमांड शेड्यूल, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले एक चीज समझते हैं कि क्या होता है, कि अगर सपोज करना कि मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं क्या बेचता हूँ मार्केट के अंदर, पेन बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ, पेन बेचता हूँ, तो पेन के केस में क्या होगा सर, पेन के केस में अगर मेरे प्रोडक्ट की सपोज करना कि प्राइस, और मैं बात करूं किसी एक कंज्यूमर की, लेट से कंज्यूमर का नाम है राम, प्राइस है मेरी सपोज करना 100 रुपए, तो राम ने बोला कि सर मैं क्या करूंगा, 10 डिमांड करूंगा, ये मेरा क्या हो गया सर, डिमांड हो गया, 10 क्वांटिटी खरीदूंगा। अगर मैंने बोला कि मैं प्राइस करता हूँ 80, तो राम बोलता है कि सर मैं इस टाइम 20, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ऊपर कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी सर, इनवर्स रिलेशन डिमांड, ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था अपन ने, प्राइस के फैक्टर में भी पढ़ा था सर, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड प्राइस, तो डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम हो गई मेरी तो डिमांड बढ़ गई सर मेरी। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बेचू 60 रुपए में, तो राम बोलता है कि सर मैं 40 खरीदूंगा। नेक्स्ट मैंने पूछा कि अगर मैं बेचूं 40 रुपए में, तो राम बोलता है कि सर मैं 60 खरीद लूंगा। मतलब क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड के बीच में। अच्छा ये मैंने क्या करा है, ये मैंने डिमांड को शो करा है, प्रेजेंट करा है इन द किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। जब भी आप डिमांड को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, जब भी आप डिमांड को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ डिमांड शेड्यूल, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड शेड्यूल। एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, डिमांड शेड्यूल डिफाइन इज दैट इट रिप्रेजेंट अ टेबल
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेबल जहां पे अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पे अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एट अ वेरियस प्राइस पॉइंट, मतलब अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड, इट कंसिस्ट ऑफ द टू कॉलम, दो अलग कॉलम है ना। देखो फर्स्ट कॉलम में क्या दे रखा है, फर्स्ट कॉलम में अपने को प्राइस दे रखा है, सेकंड कॉलम में क्या डिस्प्ले कर रहा है, डिमांड कितनी है वो डिस्प्ले कर रहा है। इसको मैंने क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सर, इसको मैंने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। तो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ डिमांड शेड्यूल। क्या बोलता हूँ सर, डिमांड शेड्यूल बोलता हूँ। आई मेरी बात समझ में, डिमांड शेड्यूल डिफाइन इट रिप्रेजेंट एज अ टेबल। किसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अच्छा किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस। आई मेरी बात समझ में, इसको मैं क्या बोलूंगा, डिमांड शेड्यूल बोलूंगा। नेक्स्ट आता है मेरा डिमांड काउंट। जो मैंने डिमांड शेड्यूल में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिमांड शेड्यूल के अंदर जो टेबल बनाई थी, अगर उसी टेबल को मैं अगर ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं, लेट से मैं बोलता हूं कि सबसे पहले मैंने बोला कि पेन में बेचूंगा, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा वाई एक्सिस पे प्राइस और यहाँ पे आएगी क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट मैंने बोला था कि मैं 60 में बेचूंगा, फिर मैंने बोला 40 में बेचूंगा, तो कंज्यूमर ने बोला कि सर अगर आप 100 में बेचोगे तो मैं 10 खरीदूंगा, 60 में बेचोगे तो मैं 20 खरीदूंगा, 40 में बेचोगे तो मैं 30 खरीदूंगा। मतलब क्या हो रहा है सर कि प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। कैसा रिलेशन, नेगेटिव स्लोपिंग है डिमांड। अच्छा ये मैंने क्या शो करा है, ये मैंने डिमांड का कर्व बना दिया है। इसी को अगर डिमांड शेड्यूल को, डिमांड की टेबल को मैंने किस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ सर, उसको मैं बोलता हूँ डिमांड कर्व। उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड। एकदम सिंपल सी चीज है दोस्तों, मेरी बात समझना, कि अगर आपने डिमांड को टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया तो उसको बोलोगे डिमांड शेड्यूल, वही डिमांड को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो उसको आप बोलोगे डिमांड कर्व। दोनों में और कुछ फर्क नहीं है, बस एक को टेबल में शो किया है और एक को ग्राफिकल फॉर्म में शो किया है। तो डिमांड कर्व क्या होते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं कि डिमांड कर्व रेफर्स टू दैट इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट की क्या प्राइस है और प्रोडक्ट की क्या डिमांड है एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किस टाइम के हिसाब से, मैंने बताया था प्राइस वेरी होती है, तो किस प्राइस पे किस टाइम पे कितनी डिमांड होगी, उसको मैंने अगर ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड कर्व बोलता हूँ। टिपिकली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अपियर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। प्राइस किस पे आती है सर, वर्टिकल एक्सिस पे आती है, यहाँ पे हमेशा क्या होगी प्राइस होगी, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उस पर हमेशा क्या होगी मेरी डिमांड होगी। यहाँ पे मैं क्या शो करूंगा, हमेशा डिमांड शो करूंगा। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट को मैं बोलता हूँ डिमांड कर्व। आई मेरी बात समझ में, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड कर्व बोलता हूँ। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा सर, आज के लेक्चर में अपन ने डिमांड का सबसे पहले तो मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिमांड, किसको कहता हूँ डिमांड, क्यों होती है, अदर फैक्टर मेरे कॉन्स्टेंट, क्यों प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कम होती है अपन ने देखा। इसके बाद में मैंने पढ़ा सर टाइप्स ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड पढ़ लिया, इनकम डिमांड पढ़ लिया, ऑटोनोमस डिमांड पढ़ लिया, प्राइस डिमांड, पेरिशेबल गुड्स की डिमांड, क्रॉस डिमांड क्या होती है, लॉन्ग टर्म सीजन डिमांड क्या होती है, फिर अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग भी देख लिए थे जिसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, चेंज इन प्राइस, प्रमोशन, फिर अपन ने देखा कि टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो डिमांड शेड्यूल, वही अगर मैंने ग्राफिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो डिमांड कर्व। तो यहाँ पे ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था डिमांड चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 डिमांड का। आगे अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे डिमांड के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं।